नमस्कार, मैं हूं मानव डोभाल और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। काशीपुर में 3 दिन पहले गायब हुए शख्स का शव पार्किंग हॉल में बने एक कमरे में मिलने से हड़कंप मच गया। वहीं मामले की सूचना मिलते ही एएसपी प्रमोद कुमार और अन्य पुलिस कर्मियों ने शव को कब्जे में लेकर घटनास्थल का जायजा लिया और सबूत जुटाने के लिए फॉरेंसिक टीम को बुलाया। इस बीच एएसपी प्रमोद कुमार ने बताया कि घटनास्थल का जायजा लेने पर शव के पास कुछ खून के धब्बे और कुछ चोटों के निशान मिले हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पूरी जानकारी मिल पाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि मृतक के परिजनों से कोई गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराए जाने के बारे में पूछताछ की जा रही है। काशीपुर से संवाददाता राजेश शर्मा की ये रिपोर्ट। ये देखिए, कटोरा ताल चौकी क्षेत्र में एक बॉडी मिलने की सूचना मिली थी, जिस पर कि मैं भी, हमारे एसपी साहब और थाना कोतवाली काशीपुर की पुलिस वो मौके पर पहुंचे थे। तो वहाँ जो एक गोदाम है और गोदाम में एक छोटा सा रूम बना हुआ था जिसमें कि लकड़ी और बोरे वगैरह रखे हुए थे, उसमें एक बॉडी जो है मिली, वो कि एक रस्सी से जो है लटकी हुई थी। और बॉडी को देख के ऐसा लग रहा था 2 या 3 दिन पुरानी है, जगह जगह से खाल छिली हुई थी। तो प्रथम दृष्टि भी बॉडी का मुआयना किया गया है और उसके पास जहाँ बॉडी मिली उस कमरे के पास एक टीन का जो है शेड भी है, तो वहाँ भी थोड़े से खून वगैरह के डब्बे वहाँ पे मिले हैं। तो अभी देखिए जो आगे की बात है, वो जो इनकी पीएम रिपोर्ट है, जब पोस्टमार्टम हो जाएगा पीएम रिपोर्ट के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि कॉज ऑफ डेथ क्या है, मृत्यु कैसे हुई है उनकी। देखिए, हाँ, अभी इस बात की भी तहकीकात की जा रही है कि कोई मिसिंग कंप्लेंट के द्वारा दी गई थी या नहीं दी गई।